कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा कश्मीर तो हमारा है ही, वही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के शरीर में खून का कतरा है, तब तक हम कश्मीर को नहीं जाने देंगे और ना ही इसमें किसी की मध्यस्थता भी स्वीकार की जाएगी। ये बात भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूर्व नियोजित होती हैं। केंद्र सरकार के कड़े निर्णय लेने व कड़े कदम उठाने के कारण जो विदेशी ताकतें पत्थरबाजों को संरक्षण देती थी, वे अब खत्म हो गई हैं। जिसने भी देश के संविधान के विरोध में काम किया, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या कम होती गई है। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा और हिंदुस्तान में ही बनेगा। राम के जितने भी आराध्य लोग हैं, उनकी आस्था है। संविधान भी हमारा है, देश भी हमारा है, संविधान के प्रति आस्था है। ऐसे में उम्मीद है कि परिणाम हमारे अनुरूप होंगे। प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी और पुराने नेताओं की अनदेखी के सवाल पर गौतम ने कहा कि उन्होंने शांता कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार का सब पर आशीर्वाद है। पुराने नेताओं को ना मानने पर उन्होंने कहा कि एक आध घटना परिवार में घटती रहती है। जिला के विधायक द्वारा संगठन पदाधिकारियों को दी जा रही चुनौती पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये आपको अल्पकालिक अनुशासनहीनता लग रही है, लेकिन हमारा संगठन पर्याप्त शक्तिशाली है और ऐसी परिस्थितियों को खत्म कर देंगे। दुष्यंत गौतम ने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव जीता है, वैसे ही धर्मशाला के उपचुनाव भी जीतेंगे। प्रत्याशी जो भी हो, कमल का चुनाव चिन्ह उनके साथ होगा। चुनावों की घोषणा के उपरांत प्रत्याशी कौन होगा, इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं समाजवादी नेता आजम खान द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने इसकी निंदा की और कहा कि सर्वदलीय नेताओं ने भी इसकी निंदा की है और सर्वदलीय कमेटी भी बनी है जो आजम खान की टिप्पणी पर निर्णय लेगी। प्लान किया हुआ होता है, आज सरकार के कड़े नियमों के कारण, कड़े कदम उठाने के कारण जो विदेशी ताकतें वहां पर उनको लालच देती थी, पोषण बाहर से आता था, वो सारा समाप्त कर दिया गया है। जिसने भी देश के संविधान के अनुरूप या विरोध में काम किया है, अनुरूप काम नहीं किया, उसके ऊपर कानून कार्रवाई हुई है, इसलिए पत्थरबाजों की संख्या भी नगण्य हो गई है। सर, मध्यस्थता करने वाले देश सदस्यता जो है वो लगातार बढ़ रही है। भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो पुराने नेता हैं भाजपा के, भाजपा उनको ही क्यों नहीं संभाल पा रही है, क्या कारण है? नहीं, मैं कल शांता कुमार जी से मिला था, इतना प्यार और स्नेह उन्होंने मुझे दिया, आशीर्वाद भी दिया और सरकार को भी आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है हम पुरानों को नहीं समझ रहे, उनका आज भी कल हमने जहाँ धर्मशाला में कार्यक्रम किया, पांच प्रमुख लोग जिन्होंने जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी तक सोदेव पार्टी को पोषण दिया, उनका भी हमने स्वागत किया, उनके चरणों को नमन कर कर। और एक आध घटना परिवार घर के अंदर घटती रहती है, वो कोई संपूर्ण, इसलिए जो चुनौतियाँ दी जा रही हैं वो आपको लगता है अल्पकालिक अनुशासनहीनता लगती होगी, लेकिन हमारा संगठन पर्याप्त शक्तिशाली है उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। राम मंदिर बनेगा, हिंदुस्तान में ही बनेगा और राम के आराध्य जितने लोग हैं उनकी आस्था है और हमें लगता है कि संविधान भी हमारा है, देश भी हमारा है, संविधान के प्रति भी आस्था है और परिणाम हमारे अनुरूप आएगा। तो धर्मशाला जा पाए हैं, धर्मशाला में उपचुनाव है, किस तरह देखने, कब तक उम्मीद लगाई जाएगी, प्रत्याशियों की टिकट जो है फाइनल कर दी जाएगी? धर्मशाला का चुनाव हम वैसे ही जीतेंगे जैसे लोकसभा का जीते हैं, इसलिए जहाँ तक प्रत्याशी है, प्रत्याशी जो भी होगा, कमल का चुनाव चिन्ह उसके हाथ में होगा और जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। सर, आजम खान लगातार महिलाओं पर विवादित बयान दे रहे हैं, तो इस पर भाजपा का क्या रुख रहने वाला है? मुझे लगता है कि महिलाओं के विषय पर सर्व दल, कल मैं पार्लियामेंट की डिबेट भी देख रहा था, सभी दल के जितने भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं उन्होंने उनकी निंदा की है और सर्व दल की कमेटी बनी है और वो निर्णय करेगी जो भी होगा अच्छा होगा।